नमस्कार दोस्तों, टेक चैंपियन किंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रू कॉलर तो आप अपने फ़ोन में यूज करते ही होंगे, लेकिन दोस्तों ट्रू कॉलर के अंदर ऐसे खतरनाक राज छिपे हुए हैं, 10 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स छिपी हुई हैं दोस्तों, आपको उनके बारे में पता नहीं है या आप उन्हें भूल चुके हैं। आज की इसी वीडियो में आपको ट्रू कॉलर के अंदर ऐसी 10 टिप्स एंड ट्रिक्स छिपी हुई हैं दोस्तों, आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा, तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से समझना। यदि दोस्तों आप इस वीडियो को देख लेते हो तो दोस्तों आप किसी भी बंदे की पोल खोल कर रख सकते हैं और अपनी पोल खुलने से भी बचा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, तो ध्यान से समझना। उससे पहले एक छोटा सा काम करना है, जो चैनल पर नए आए हैं, वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन होगा दोस्तों, उसको काला करना है, नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने ट्रू कॉलर को ओपन कर लेना है। दोस्तों सबसे पहले ट्रिक्स की ओर चलते हैं। इस ट्रिक्स का काम यह है, जैसे दोस्तों आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं रात में, आप ऑनलाइन है अपने ट्रू कॉलर पर। ठीक है दोस्तों, यदि आपके लास्ट सीन को कोई बंदा देख रहा है, यदि दोस्तों आपको अपने लास्ट सीन को छुपाना चाहते हैं दोस्तों, या आप किसी से बात करो या मत करो, दूसरा बंदा आपके लास्ट सीन को कभी भी देख नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इस सेटिंग में आपको क्या काम करना है, आपको थ्री डॉट पर आना है। थ्री डॉट पर आने के बाद सेटिंग के ऑप्शन पे आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्राइवेसी सेंटर के नाम से। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है ऊपर की साइड अवेलेबिलिटी के नाम से। दोस्तों यदि आपकी यह ऑन हो रखी होगी दोस्तों, आपको इसे ऑफ कर देना है। अब दोस्तों क्या होगा, जब कोई बंदा आपके पास कॉल करेगा तो दोस्तों उसको पता नहीं चलेगा कि ये बंदा ऑनलाइन है। यहाँ पर उसका दोस्तों ऐसे ही वो आपके सीन को चेक करेगा दोस्तों, उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा कि ये बंदा अभी ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक्स का आपको ये बहुत ही फायदा मिलने वाला है। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे वाले खतरनाक ट्रिक्स की ओर। दोस्तों इस ट्रिक्स का काम ये है, जैसे कोई भी बंदा आपकी दोस्तों जो आप अपनी प्रोफाइल पिक लगाते हैं, तो दोस्तों वो आपकी प्रोफाइल पिक से देख लेता है कि ये बंदा कौन है, आपको पहचान लेता है। ठीक है दोस्तों, वो आपके कॉल कभी भी नहीं उठाता है। दोस्तों यदि आप अपनी प्रोफाइल पिक को छुपाना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या काम करना है, आपको थ्री डॉट पर आना है। थ्री डॉट पर आएगा सेटिंग के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको दोस्तों फिर से प्राइवेसी सेंटर पे आ जाना है। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो कैन सी माई ट्रू कॉलर प्रोफाइल, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यदि आप यहाँ पर ऑल ट्रू कॉलर यूजर्स पर रखोगे, तो दोस्तों आप जिस बंदे के पास दोस्तों कभी भी कॉल करोगे, तो वो दोस्तों आपकी ट्रू कॉलर की जो प्रोफाइल है वो देख लेगा और आपको पहचान लेगा। दोस्तों यदि आपको यहाँ पर रिक्वेस्टेड अप्रूव्ड बाय मी पर दोस्तों यदि आप रखोगे, तो दोस्तों आप जिसको अपनी प्रोफाइल दिखाना चाहते हैं दोस्तों, वो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी उस बंदे को, तब वो आपकी प्रोफाइल को देख सकता है। दोस्तों दो नंबर की सेटिंग बहुत ही खतरनाक थी, अब चलते हैं तीसरे नंबर की सेटिंग की ओर। दोस्तों आपको थ्री डॉट पर आना है। थ्री डॉट पर आने के बाद सेटिंग के ऑप्शन पे आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको आ जाना है कॉलर आईडी के ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पर आपको दोस्तों जब आप दोस्तों किसी के पास कॉल करते हैं या किसी बंदे का आपके पास कॉल आता है दोस्तों, फुल स्क्रीन पर इस तरीके से आता हो या अभी छोटा सा दिख रहा होगा दोस्तों, यदि आपको फुल स्क्रीन करना है इस तरीके से दोस्तों, आप इसे यहाँ पर सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक करके दोस्तों आप उसे और भी अच्छा दिखा सकते हो कि आप पे जो फ़ोन है उस पर कॉल और भी अच्छे से आपको दिखेगी। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस पर रखोगे दोस्तों उसका नाम छोटा सा दिखाई देगा। दोस्तों यदि आप बड़ा करना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन पर करना चाहते हो, आप फुल स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर की सेटिंग में आपको ये वाली सेटिंग करनी है। अब दोस्तों चलते हैं चौथे नंबर की सेटिंग की ओर। ठीक है दोस्तों, इस सेटिंग का काम ही है, जैसे दोस्तों आपके पास या आप किसी के बंदे के पास कॉल करते हैं, वो दोस्तों आपकी कॉल दोस्तों कभी भी नहीं उठाता, तो दोस्तों क्या काम करना है, आपको यहाँ पर एक रीजन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जब आप उस बंदे के पास दोस्तों कॉल करेंगे दोस्तों, उस बंदे के पास एक रीजन चला जाएगा कि ज़्यादा ही इमरजेंसी कॉल है, उस बंदे को दोस्तों उठानी पड़ेगी। दोस्तों आपको इसके ऑन करना है। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है मैनेज योर रीजन्स, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर एक रीजन सेलेक्ट कर लेना है कि आपको क्या रीजन है। दोस्तों यदि आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपको डन करना है। यदि दोस्तों आप इस पर एक पे क्लिक करना चाहते हैं तो एक पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके पहले ही दोस्तों एक मैसेज चला जाएगा, हेलो इट्स अर्जेंट, दोस्तों वो बंदा आपकी कॉल इस तरीके से उठा लेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों अब चलते हैं पाँचवें नंबर की सेटिंग की ओर। दोस्तों जैसे आप कहीं बिजी हैं या कहीं आपका मोबाइल चार्जिंग पर लग रहा है, तो दोस्तों किसी बंदे का फ़ोन आ रहा है, आपके गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, तो दोस्तों आपको पता नहीं चलता। दोस्तों यदि आप इसे ऑन रखोगे तो दोस्तों क्या होगा, उस बंदे का ट्रू कॉलर नाम बताएगा कि इस बंदे की
कॉल आ रही है आपको उठानी है या नहीं उठानी है। ठीक है दोस्तों, पांचवें नंबर की सेटिंग में आपको ये वाली सेटिंग कर लेनी है। अब दोस्तों आपको चलना है छठे नंबर की सेटिंग की ओर। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है स्पीड डायल का। दोस्तों इसका मतलब है जैसे आपके कोई भी खास नंबर है दोस्तों, आप उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपका कोई गर्लफ्रेंड का नंबर है, आप दोस्तों इस पर क्लिक करके यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी आप अपनी कीपैड पे दोस्तों एक नंबर डायल करेंगे, दो नंबर डायल करेंगे, तो दोस्तों क्या होगा, उस बंदे का नंबर ऑटोमेटिकली आपके होम स्क्रीन पर आ जाएगा और दोस्तों आप उससे बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सातवें नंबर की सेटिंग की ओर। दोस्तों इसका मतलब है कॉल अलर्ट नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, अब आपको सातवें नंबर की सेटिंग में आपको ये वाली दोनों सेटिंग कर लेनी है, कॉल अलर्ट नोटिफिकेशन और दोस्तों मिस्ड कॉल नोटिफिकेशन। दोस्तों इस सेटिंग का मतलब है जैसे कोई भी बंदा आपके पास कॉल करेगा या आप किसी बंदे के पास कॉल करोगे, तो दोस्तों आपके पास एक 5-7 सेकंड पहले एक मैसेज आ जाएगा कि इस बंदे की कॉल आने वाली है। दोस्तों यदि आपको उसकी कॉल यदि उठानी है या नहीं उठानी है, दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि उससे पहले पहले ही आप अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर भी लगा सकते हैं, या आप उससे बात करना चाहते हैं तो आप अकेले में जाकर उससे बात भी कर सकते हैं। सातवें नंबर की सेटिंग में आपको ये वाली सेटिंग कर लेनी है। अब दोस्तों आपको मैं चलता हूँ आठवें नंबर की सेटिंग की ओर। इस सेटिंग का मतलब है दोस्तों जैसे कोई भी बंदा आपके पास कॉल कर रहा है, आप पाइप पर हैं, ठीक है, उस बंदे की कॉल आई और आपको पता चल गया और फिर आप भूल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आप इस पर क्लिक रखोगे तो दोस्तों क्या होगा, वह दोस्तों आपको बार बार याद दिलाता रहेगा कि इस बंदे की कॉल आई थी, आपको इसके पास कॉल करनी है। ठीक है दोस्तों, इस सेटिंग को करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों आप चलते हैं 9 नंबर की सेटिंग की ओर। दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाना है ब्लॉक के ऑप्शन पे। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों यदि दोस्तों आप यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, कॉल आती रहती हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर इन्हें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने में ब्लॉक टॉप स्पैमर्स। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर इन नंबर को ऑन कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आपके पास कॉल आएगी, ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर वो ऑटोमेटिक ही दोस्तों अपने आप ही दोस्तों ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर की सेटिंग में आपको दोस्तों ये वाली सेटिंग कर लेनी है। दोस्तों अब चलते हैं लास्ट नंबर की सेटिंग की ओर, 10वें नंबर की सेटिंग की ओर। ठीक है दोस्तों, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अपीयरेंस। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों यहाँ पर जो आपकी ट्रू कलर की दोस्तों जो होम स्क्रीन है, दोस्तों यदि आप इसे डार्क मोड करना चाहते हैं, ब्राइट मोड करना चाहते हैं, दोस्तों आप इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस नजर आएगा, दोस्तों आपको साफ भी दिखने लगेगा। दोस्तों इस सेटिंग को करने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। चलिए, आपका दिन शुभ हो।